परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर आप समूह साख संबंधी रिश्तेदार साध संगत दे रूप अंदर सत्कार योग बुजुर्ग सरदार हरबंस सिंह जी दी याद अंदर सतगुरु दे पावन पवित्र चरण कबलां विखे अरदास बेनती जोदड़ी करन वास्ते आए हो। इलाही बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। आओ जितनी कु सूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शनगे आपां गुरमत विचारां दी सांझ करिए। विचार आरंभन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अमृत भरपूर बचन ने ते हर नितनेमी गुरसिख जेड़ा गुरु की बाणी का नितनेम करदा है शाम नू ओ रह राज साहिब जी दे पाठ तो उपरांत जदो अपने आसन ते विश्राम कर लगदा है सौन लगदा है ते एक हदाय ते गुरु की के सिखा सौन लग्या तू इस गुरु की बाणी दा पाठ जरूर करे ते उस पवित्र बाणी नू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर सोहिला साहिब दा नां दिता गया जिस नू आम तौर ते संगत कीर्तन सोहिला कहिंदी। जदों इस बाणी दा आपां पाठ करने हां ते पहला ही शब्द पढ़ने ते शब्द उचारण कीता है गुरु नानक साहिब जी दा ते धन गुरु नानक देव महाराज पहले शब्द दे अंदर सानू अंतले समय प्राणी दे जान तो बाद की करना चाहिदा है उस पहले शब्द दे अंदर सानू कृपा करके अगवाई पै देंदे। जदों असी पाठ करने हां संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल दियो सज्जन आशीषड़ियां ज्यों होवै साहिब सो मेल घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह अवन। इस शब्द का जदों असीं पाठ करने ते इहदे अर्थां वल थोड़ा जिहा ध्यान देना। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बाणी ने चाहे पुरख है चाहे इस्त्री है चाहे मर्द है चाहे बच्चा है हर एक नू परमेश्वर दे लई एक दासी दे रूप विच एक इस्त्री दे रूप विच संबोधन कीता है। ते गुरु नानक साहिब जी ने उदाहरण बड़े प्यारी ते कमाल दी उदाहरण लई गुरदेव कहिंदे ने जदों बच्ची घर दे अंदर उहदा जन्म हुंदा है ते जन्म तो बाद जदों बच्ची जवान हुंदी है ते माता पिता दे मन विच इको सोच एक चिंता है कि वह कोई चंगा घर लभ के कोई सोहना वर लभ के इस बच्ची नू पेके घर तो सहुरे घर नू तोर देन। ते गुरु नानक साहिब कहिंदे ने बाणी दा बचन है कहिंदे ने जदों उस बच्ची नू पेके घर तो तोरिया जांदा है ते उस तो पहला वह साल मिथदे ने कि किस साल इस बच्ची दी आपां शादी करनी है। केवल साल नहीं फिर वो महीना भी मिथ लैंदे ने महीने दी तरीक भी मिथ लैंदे ने ते उस तरीक उस दिन दी उस समय नू भी निश्चित कर लैंदे ने कि इस दिन इन्ने बजे आपां बच्ची दी डोली अपने घरों तोड़ देनी। हजूर कहिंदे ने जदों बच्ची दी डोली तुरदी ते उस दी डोली नू तोड़न तो पहला
एक समाजिक रस्म है, पेंडू जी रस्म है, बच्ची दे केसा विच तेल पांदे ने ते चाचियां ताइयां भैणां भरजाइयां उन्हों माइये पांदियां ने केसा विच तेल पा के नाले ता कदी सुहाग दे गीत गाउंदियां ने ते रोण लग पैणगियां अखां विच पानी भर लैंदियां ने ते कदी सुहाग दे गीत गाउंदियां गाउंदियां उन्हां दे चेहरे दे उत्ते खुशी ते खेड़ा ते उन्हां दे बोलां विचों हासा निकलदा। ते गुरु नानक साहब कहिंदे ने अजीब जी खेड़ है कि बच्ची दी शादी है। मैं बाणी दी उदाहरण दे रहा, पहला उस बच्ची नू जदों माइये पाया गया एकदम अखां विच पानी लैके भैणां भरजाइयां सहेलियां रोईयां ने, परत के उन्हां दे चेहरे ते खेड़ा खुशी हसियां ने। ते गुरदेव कहिंदे ने इहदे रोण ते हसण दा कारण की, ते साहब कहिंदे ने रोया ते इस करके जांदा है कि जिस घर अंदर पली है, जिस घर विच लाड नाल पालिया गया, उस घर नू अज इह त्याग के जांदी पई है। परत के कदी आउणा तां केवल एक दो रात प्रौणी बन के, ते हसिया इस करके जांदा है मेरे मालक किरपा करी के इहदी सहुरे घर विच बन आवे। ते धन गुरु नानक साहब ने कमाल दी गल कही, कहन लगे भल्यो जितने भी जीव आए ने हर एक जीव मानो एक इस्त्री है। जिवें बच्ची दी शादी तो पहला साल मकीना ते दिन निश्चित कीता जांदा है, जिदन ऐस जीव आत्मा ने शरीर विच प्रवेश कीता है, जिदन शरीर दा जन्म होया है, ते गुरु नानक साहब कहिंदे ने उस दिन ही मेरे मालक ने साल भी मिट दिता है, साल दा महीना भी निश्चित कर दिता है। केवल महीना नहीं, महीने दा ओ दिन ते दिन विच ओ समा भी मेरे वाहगुरु ने निश्चित कर दिता है, जिदन इस शरीर दे चोले नू छड़ के, इस संसार दे पेके घर नू छड़ के सहुरे घर चले जांदा।